कब कौन सी खबर वायरल होने लगे ये कोई नहीं जानता। किसकी पर्सनल लाइफ से लेकर किसके डाइवोर्स तक कहानी पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। ये मोहब्बत है जनाब, यूं ही वायरल खबरें उन्हें तोड़ेंगी नहीं। ये मोहब्बत है जनाब, यूं ही अफवाहें उन्हें बिछड़ने नहीं देंगी। कुछ ऐसी ही अफवाहों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, कुछ ऐसी ही अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज हम इस खास पेशकश में वायरल टेस्ट लेकर आए हैं, जो हम इस झूठी खबर को सच्ची है झूठी है अपनी इस पेशकश में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं जिस एक खबर का, वो खबर है बच्चन परिवार की बेटी श्वेता नंदा बच्चन को लेकर। श्वेता नंदा बच्चन और बच्चन फैमिली, भाई वो उस परिवार की बेटी है, इकलौती बेटी है, लाडली बेटी है, तो अपने माँ बाप के साथ तो वो समय बिताएगी ही। क्या बेटियां शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ समय नहीं बिताती? क्या बेटियां शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ कहीं बाहर नहीं जाती? क्या बेटियां शादी के बाद अपने माँ बाप से दूरी बना लेती हैं? क्या बेटी को शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ बाहर खाने खाने का हक नहीं है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल श्वेता पर उठ रहे हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि श्वेता नंदा बच्चन की शादी को लेकर, उनके डाइवोर्स को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल खबरें आ रही हैं, जहां पर कहा यह जा रहा है कि श्वेता और निखिल का तलाक हो जाएगा और बच्चन परिवार ये दर्द सहन नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में अमिताभ ये दर्द नहीं सहन कर पाएंगे। दरअसल जनाब, जिस तरीके से इस खबर को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, आज हम यहां पर उस फेक खबर का पूरा सच आपको बताएंगे, वायरल टेस्ट करके दिखाएंगे कि आखिरकार क्या पूरी सच्चाई है, किस तरीके से कहा कुछ और जा रहा है कुछ और कहानी कुछ और क्यों दिखाई जा रही है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं अपनी ये खास पेशकश, जहां पर आपको बताएंगे कि क्या सच में श्वेता और निखिल अलग हो रहे हैं, क्या सच में उनका तलाक अब हो ही जाएगा। लगातार सोशल मीडिया पर कई ऐसी वायरल खबरें सामने आती हैं जो यकीनन ही बर्दाश्त से बाहर होती हैं। हाल ही में ही जो हैरान कर देने वाली खबर रही, और आज सुबह ये खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी कि महेश भट्ट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, कुछ ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि ये खबर जो है एकदम फेक खबर है, इस खबर का सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है। तो ऐसे में हाल ही में जो एक और खबर सामने आ रही है, वो खबर ये है कि श्वेता और निखिल नंदा का तलाक हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा झटका किसी और को नहीं बल्कि बच्चन परिवार को लगेगा। मगर आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी जनाब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वायरल खबर लगातार सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, और जहां पर कहा यह जा रहा है कि ये वायरल खबर महज झूठी है। हम यहां पर अपने वायरल सच प्रोग्राम में ऐसी वायरल खबरों को झूठा कहलाते हैं। दरअसल कहानी कुछ इस तरीके से है। कहानी ये है कि कई बार श्वेता और निखिल नंदा को एक साथ नहीं देखा जाता है। कहानी यह है कि सवाल लगातार उठते हैं कि क्या निखिल और श्वेता के बीच के रिश्ते सही नहीं है। कहानी यह है कि कई बारी इन दोनों को एक साथ कभी भी क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते नहीं देखा गया है। मगर ऐसे में यहां पर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब अमिताभ की बेटी जो है वो अलग हो जाएंगी। सवाल ये है कि लगातार अब यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन को बड़ा झटका लगेगा। मगर ऐसा हम बता देना चाहते हैं कि ये महज एक वायरल खबर है, इसका सच से कोई भी वास्ता नहीं है। हाँ, निखिल नंदा एक काफी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं निखिल के पास ज्यादा समय नहीं होता है कि अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सके। इसलिए ज्यादातर श्वेता नंदा बच्चन को देखा जाता है कि वो बच्चन परिवार के साथ ही दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हैं कि कहीं ना कहीं श्वेता नंदा बच्चन के तलाक की वजह कोई और नहीं बल्कि बच्चन परिवार है, क्योंकि बच्चन परिवार ज़्यादातर अपनी बेटी को अपने साथ रखता है। जनाब, सवाल हम यहाँ पर आप सभी से पूछना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इन सवालों के जवाब ज़रूर दें। सवाल ये है कि क्या एक बेटी अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती?
क्या एक बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ नहीं घूम सकती, और अगर माँ बाप अपनी बेटी को ऐसा सपोर्ट करते हैं तो क्या वो माँ बाप अपनी बेटी का घर तोड़वा रहे हैं। लगातार ये सवाल हमारे जहन में है और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ऐसी झूठी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वो इन तमाम जरा सवालों को भी सोचा करें और उसके बाद ही ऐसी झूठी खबरें किसी के तलाक को लेकर, किसी की निजी जिंदगी को लेकर फैलाएं। यकीनन देखा आपने, हमने यहाँ पर जिक्र जिस तरीके से वायरल टेस्ट प्रोग्राम का किया, यहाँ पर हमने वायरल चेक किया है आपके सामने कि खबरें मैन्युपुलेट की गई हैं, खबरों को अलग एंगल से दिखाया गया है, मगर कहानी तो कुछ और ही है। भाई अगर कभी श्वेता नंदा बच्चन अपनी माँ जया के साथ खाने पर चली गई तो इसका मतलब ये है कि क्या निखिल उनसे प्यार नहीं करते? जनाब हर वक्त अपने प्यार को झलकाना पड़े वो प्यार ही क्या, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं और उनमें प्यार सबसे ज्यादा होता है। बार बार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बार बार मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये कहना एक बचपना है। अब ऐसे में जहां पर श्वेता और निखिल को काफी कम बारी एक दूसरे के साथ देखा गया है, क्योंकि निखिल एक ऐसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो उनके पास समय नहीं होता है, इसलिए श्वेता अपने आप को थोड़ा बिजी रखने के लिए जहां पर वो अपने वर्क से कंप्लीट हो जाती हैं तो वो अपने परिवार के पास यानी कि बच्चन परिवार के साथ घूमती फिरती देखी जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि निखिल ने उन्हें छोड़ दिया है? तो क्या उसका मतलब ये है कि श्वेता और निखिल के बीच ट्विनिंग सही नहीं है? अक्सर ये सभी आपके सबके साथ भी होता होगा कि जब आपके हस्बैंड अपने काम में बिजी होते होंगे तब आप अपने मायके जरूर जाते होंगे, तो ऐसी ही कहानी कुछ श्वेता की भी है। मगर लगातार ये खबरें जो सामने आ रही हैं श्वेता निखिल के तलाक को लेकर, हम उन तमाम खबरों को झूठा कहला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वेता और निखिल अपने आप यानी कि आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनका प्यार जो है बेहद ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब ऐसे में जिस तरीके से ये फेक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसकी सच्चाई कुछ और ही है, जो आप यहाँ पर जान चुके हैं, और ऐसी खबरों को हम अपने वायरल टेस्ट प्रोग्राम में झूठा साबित करते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।